उधर बाराबंकी जिले में एक भीषण सड़क हादसे में भी 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए लखनऊ में भर्ती कराया गया है। यह भीषण हादसा बाराबंकी में देवा कोतवाली क्षेत्र से होकर गुजरे किसान पथ पर सहारा गांव के पास हुआ। हरदोई जिले से एक बारात नगर कोतवाली क्षेत्र में गदिया चौकी के मदारपुर गांव आई थी। बारात में शामिल होने के बाद वैन सवार 9 लोग वापस हरदोई लौट रहे थे। इस दौरान रात करीब 10 बजे रॉन्ग साइड से जा रही एक वैन को तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम सदर विजय कुमार त्रिवेदी, सीओ डॉक्टर बीनू सिंह समेत भारी पुलिस बल किसान पथ पर पहुंच गया। पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस और दूसरे वाहनों से घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। ओमनी से एक बारात आई हुई थी हरदोई से गदिया में जिसमें 9 लोग बैठे थे। बारात वापस जा रही थी अभी आज रात में, उसी समय एक ट्रक से इसका एक्सीडेंट हुआ है जिसमें से 8 लोग घायल हो गए। सभी लोगों को तत्काल एम्बुलेंस से और पीआरबी के वाहन से लाया गया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसमें एक बैजनाथ की यहीं पे मृत्यु हो गई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो शेष सभी लोगों को भेजा गया था राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जहां 4 लोगों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इस प्रकार कुल 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। शेष 3 लोगों का इलाज हो रहा है, उनकी स्थिति ठीक है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों को भी सूचित कर दिया गया, वो अस्पताल में आ गए हैं और यहां पे से जो 3 लोग इनकी स्थिति थी।